when there's no more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप अच्छे होंगे. और बताइए क्या चल रहा है. हमारे यहाँ तो सब बिजी हैं. कैप्टन साहब अपना वर्क कर रहे हैं, यू कैन सी. एंड सिकंदर इज अटेंडिंग हिज क्लास. सिकंदर इज अटेंडिंग हिज ऑनलाइन क्लास. कैप्टन साहब इज बिजी विद हिज वर्क एंड मैं आपसे बातें कर रही हूँ. तो चलिए आज का जो व्लॉग है हम उसके बारे में बात करते हैं. आज का व्लॉग बहुत छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ मैं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखना मत भूलिए. आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रही हूँ राज मंदिर. राज मंदिर इन जयपुर. जयपुर का जो राज मंदिर है वो मतलब इट इज़ नॉट अ टेम्पल. वो क्या है, वो एक थिएटर है जहाँ पर हम मूवीज़ देख सकते हैं. थिएटर में हम मूवी देखते हैं. वहाँ पर वो मतलब इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम का है. जब पहले मतलब हम सोच सकते हैं वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम पहले राजा महाराजाओं के टाइम में चले गए. अगर उस टाइम सिनेमा होते, थिएटर्स होते, तो वो कैसे देखते मूवीज़. तो एक वही व्यू है और जैसा पहले होता था कि मतलब पहले कर्टेंस शट डाउन होते हैं जब मूवी स्टार्ट होती है, तो फिर से वो अप कर दिए जाते हैं एंड अगेन इन इंटरवल फिर से उनको शट डाउन किया जाता है कर्टेंस को. और कर्टेंस भी मतलब बहुत ब्यूटीफुल है. जैसे लगता है पहले के टाइम में मतलब वो होता है ना मखमल का फैब्रिक जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, उस टाइप के हैं वो. और फिर जब इंटरवल उनका ओवर हो जाता है फिर से कर्टेंस को अप कर दिया जाता है, मूवी स्टार्ट हो जाती है. और वहाँ पर जो है टिकट्स जो है वो 4 कैटेगरीज़ की हैं, लाइक पर्ल, रूबी, एमरल्ड एंड डायमंड. उनकी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जैसा नॉर्मली होता है, तो स्टोन्स के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है सीट की कैटेगरीज को. और जब हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही लॉबी है बहुत बड़ी. उसमें पूरी लॉबी में पूरा कारपेट बिछाया हुआ है जो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है. और जो स्टेयर्स जाती हैं वो भी राउंडिंग फॉर्म में, मतलब सर्कुलर फॉर्म में है वो. और उन स्टेयर्स पर भी मतलब कारपेट बिछा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है. और वहाँ पर बस एक ही सिनेमा है, मतलब एक टाइम में एक ही मूवी को हम वॉच कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ राज मंदिर इन जयपुर, जो भगवान दास रोड पर है. और वो बहुत सुंदर है. अगर आप भी कभी जाइएगा तो प्लीज़ वहाँ पर मूवी देखिए. जब हमने मूवी देखी तो हमने देखी थी जुड़वा 2, वरुण धवन की जो है. जब हम गए उस टाइम वो रिलीज़ हुई थी तो हम वो देखकर आए थे. लेकिन वहाँ पर जो सबसे फर्स्ट मूवी थी वो थी चर्स मूवी. वहाँ पर रिलीज़ हुई थी, रामानंद सागर जी की डायरेक्शन में बनाई हुई मूवी. तो वहाँ पर वो थी, वो दैट इज़ एक्शन मूवी. तो लेकिन हमने तो जब हम गए तब वो लगी हुई थी जुड़वा 2, तो हमने वो देखी. वो मूवी भी बहुत अच्छी है और राज मंदिर में देखने में उसमें अलग ही मज़ा आया. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ व्लॉग अपना आज का राज मंदिर. प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये आप देख सकते हैं ये राज मंदिर का आउटसाइड का व्यू है. जुड़वा 2 का पोस्टर लगा हुआ है जो हमने देखी थी. अब हम चलते हैं अंदर राज मंदिर के, जो एक थिएटर है. और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्टेयर्स जो हैं वो कितनी ब्यूटीफुल हैं. सर्कुलर फॉर्म में है ये और इस पर भी कारपेट बिछा हुआ है. ये लॉबी जो एंटर करते ही बड़ी लॉबी है, उस पर भी ये देखो कितना सुंदर डिज़ाइनर कारपेट बिछा हुआ है. पूरे थिएटर में ही कहीं पर भी मुझे ऐसा कुछ वो नहीं दिखा कि टाइल्स वगैरह नहीं दिखी. हर जगह सिर्फ कारपेट है. और चलिए अब अंदर ले जाते हैं. कर्टेंस किस तरीके से अप होते हैं एंड फिर इंटरवल में गाना बजाती हूँ. मेरे ऊपर में दिखाई हूँ छत, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है. और सीटिंग अरेंजमेंट, तो चलिए आप मुझे बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.